भाई साहब चलो अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ एकदम, ये बिंदु चुप नहीं बैठेगा। एक एक बांग्लादेशी को भारत से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। बिल्कुल चलो। ओ ओ एम्बेसी कहाँ? अरे लिब्रांडू तुझे पता नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? अच्छा बांग्लादेश जा रहे हो? अरे ना बांग्लादेश क्यों जावांगे, हम तो यहीं रहकर ऐसा काम करांगे कि बांग्लादेश में बैठे जिहादियों ने सबक मिले। हाँ हम तुम लोगों की तरह सिकुलर गैंग नहीं है जो हिंदुओं पर अत्याचार देखकर चुप बैठ जाएं। बिल्कुल बता बांग्लादेश पे क्यों चुप हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं का बारे में क्यों नहीं बोलते? मोदी ने बोल दिया। मैं तो इस मामले में मोदी के साथ हूँ, जो वो करेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मैं तो मांग करता हूँ कि मोदी को अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे खोल देना चाहिए, सारे हिंदुओं को भारत आने की छूट मिलनी चाहिए। बताओ तुम लोगों ने ये मांग क्यों नहीं उठाई? नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि तुरंत मोदी को बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देना चाहिए। कहीं से तो अखंड भारत की शुरुआत हो भाई, कब तक ये फर्जी नक्शे जारी करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहोगे? इंदिरा गांधी के नाखून जितनी तो हिम्मत करो कोई, कुछ तो कदम उठाओ। कब तक ये सारी हिंदू क्रांति सोशल मीडिया पर होती रहेगी? अरे जोश सोर्स के एजेंट, हर बात के बीच में मोदी को क्यों घसीट लाते हो? बॉर्डर खोल दो, बांग्लादेश पर हमला कर दो, क्यों बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? अच्छा ये बेवकूफों वाली बात है, और तुम लोग भारत में सोशल मीडिया पर बैठकर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कर लोगे? ये तो बहुत नासा के साइंटिस्टों वाली बात है। अरे थम के चाओ हो, अगर वो लोग हमारे हिंदुओं के साथ ये सब करेंगे तो हम यहां आत्मादरे बैठे रहवा, हम जवाब भी ना देवा। क्या जवाब दोगे? कैसे जवाब दोगे? ये बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश तो जाओगे नहीं, यहां झुंड बनाकर गरीब मुसलमानों को निशाना बनाओगे, उनके झुग्गी घरों पर हमला करोगे, रेहड़ी फड़ी वालों को पीटोगे। जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं वो भी तो तुम्हारे जैसे ही जाहिल हैं। वो जाहिल जो मानते हैं कि इस देश पर तो सिर्फ हमारे धर्म के लोगों का अधिकार है, वो जाहिल जो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, वो जाहिल जो अपने देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, जो मौका मिलते ही भीड़ बनकर दूसरे धर्म के लोगों, उनके घरों, उनके मोहल्लों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं। बताओ क्या फर्क है तुम लोगों में और बांग्लादेश के उन जाहिलों में? वो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं तुम मुसलमानों पर करते हो, वो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं तुम मस्जिदों पर करते हो, वो हिंदुओं को देश से निकालना चाहते हैं तुम मुसलमानों को। सदा तुम लोगों ने यही किया, हमला बांग्लादेश में होगा और जवाब तुम भारत में दोगे, क्राइम पाकिस्तान में होगा और इंसाफ तुम भारत में करोगे, बाबर का बदला अली से लोगे, औरंगजेब का बदला अब्दुल से लोगे। फिर तुम लोगों के किए का बदला वहां कोई जाहिल बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलेगा, यही सिलसिला चलता रहेगा। तुम लोगों के लाइक और शेयर बढ़ते रहेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस लड़ाई में मरेंगे वो मासूम लोग, वो महिलाएं, वो बच्चे जो हिंसा नहीं चाहते, नफरत नहीं चाहते, बंटवारा नहीं चाहते। अरे शर्म करो, शर्म करो, कैसे हिंदू हो तुम? ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है डूब के मर जाओ। तुम लोगों से अच्छी तो वो कंगना रनौत भी है जो कम से कम हिंदुओं को जगा तो रही है, जो कह रही है कि हिंदुओं तलवार उठा लेनी चाहिए। हाँ वो पोपड़ी तलवार उठाने के लिए बोल सकती है लेकिन संसद में मुद्दा नहीं उठा सकती, मोदी सरकार के सामने कोई मांग नहीं उठा सकती। वो तुम लोगों को तलवार उठाने के लिए बोलेगी लेकिन अपने किसी परिवार के बच्चे को तलवार उठाकर सड़क पर नहीं उतारेगी, कभी जैसा को आगे आने के लिए नहीं बोलेगी, विदेशों में बैठे बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बेटों को कभी तलवार उठाने के लिए नहीं बोलेगी। अगर तुम लोग हिंदू हो तो वो नेताओं के बेटे बेटियां वो क्या हैं? यहूदी? उन लोगों का खून भी तो थोड़ा खोलना चाहिए, उनको भी तो कभी हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। भेजो उनको बांग्लादेश तलवार लेकर, हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे, तब होगी हिंदुओं की असली सुरक्षा। बताओ कब करनी है बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई? बताओ दोनों बताओ।